Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Dear children, today we will do book work and question answers of chapter 5, Eating Together. So please open your books first, page number 33, and start doing your book work. Page number 33 open kar liya. Now write today's date, 19th August, on the top left corner. And top right पर class work, ठीक है? Part A देखो, match the following. Two columns given है, and here are the festivals, और वहाँ पर इस side दिया है कि उन festivals पे हम कौन सी मिठाई खाते हैं, कौन सी sweets खाते हैं, okay? Let's match them. On Christmas, we eat cake, so plum cake से match करें, one. Next is Durga Puja. Durga Puja पर हम क्या खाते हैं? मलाई लड्डू, okay? थर्ड इज बीहू, बीहू पर होता है पीठास, ओके पीठास खाते हैं. तीज फेस्टिवल पर घेवर बहुत फेमसली खाया जाता है. एंड होली पर गुजिया, ओके वी एंजॉय गुजिया ऑन होली. तो इनको बेटा मैच करेंगे. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. दो दो ऑप्शंस गिवन है हर सेंटेंस में आपको, उनमें से जो भी करेक्ट है यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन. फर्स्ट इज घेवर इज ईटन ऑन तीज और ईद. कब खाते हैं, ईद पर खाते हैं या तीज पर खाते हैं घेवर? एब्सोल्यूटली राइट, तीज पर. नेक्स्ट सेंटेंस, क्रिश्चियंस ईट रसगुल्ला और केक्स ऑन क्रिसमस. कब खाते हैं आप बताओ, रसगुल्ला खाते हैं, केक खाते हैं क्रिसमस पे? केक, वी ईट केक ऑन क्रिसमस. थर्ड पॉइंट, मिड डे मील्स आर सर्व्ड इन स्कूल्स ऑन पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट. मिड डे मील स्कीम जो है बेटा, उसमें बच्चों को खाना खिलाते हैं ना, न्यूट्रिशियस डाइट देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी कोई पैसा नहीं लगता या उनका पैसा लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पर टिक करेंगे. फोर्थ सेंटेंस, ईटिंग टुगेदर क्रिएट्स अ बॉन्ड ऑफ लव और हेट्रेड Among the following members. Hatred होता है नफरत, ठीक है, और लव होता है प्यार. एक साथ मिलकर खाने से नफरत बढ़ती है या प्यार? प्यार बढ़ता है, तो लव पर टिक करेंगे. ओके, टिक एट लव. नाउ सी पार्ट देखो, राइट द फूड ईटन बाय. फूड का आपने नाम लिखना है कि कब हम ये वाला फूड खाते हैं. मुस्लिम्स ऑन ईद, ईद पर मुस्लिम्स क्या खाते हैं? सेवियां, S E W I A N, सेवियां, ठीक है. प्रसाद और नवरात्रा, नवरात्रि इस पे क्या प्रसाद बनता है? हलवा, पूड़ी एंड चना, ओके. थर्ड, क्रिश्चियंस ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पर क्रिश्चियंस क्या खाते हैं? केक. क्रिश्चियंस क्या, हम लोग भी तो खाते हैं, सब खाते हैं, है ना. पीपल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की स्टेपल फूड क्या है, उनका रोज का जो आम खाना है वो क्या है? वो खाते हैं डोसा सांभर, तमिलनाडु का फेमस यही फूड है, ओके. पीपल ऑन लोहड़ी, लोहड़ी पर हम लोग क्या खाते हैं? रेवड़ी, मूंगफली, पॉपकॉर्न, राइट. चलो अब डी पार्ट जो है वो हम नोटबुक्स में करेंगे. सो ओपन योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट डूइंग. डेट लिखते हैं सबसे पहले, चलो. हाँ जी, नाउ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर डेट एंड सॉरी राइट कॉर्नर पर क्लास वर्क, चैप्टर 5, ईटिंग टुगेदर. डी क्वेश्चन नोट करो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर्स करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड फैमिली मेंबर्स ईट टुगेदर. फैमिली के सब मेंबर्स को एक साथ बैठकर क्यों खाना चाहिए, ओके तो आंसर करिए. फर्स्ट पॉइंट, ईटिंग टुगेदर प्रोवाइड्स टाइम टू शेयर अवर एक्सपीरियंसेस आइडियाज एंड थॉट्स. इकट्ठे एक साथ बैठकर खाने से हमें टाइम मिल जाता है कि हम एक दूसरे से अपने अनुभव, एक्सपीरियंस होता है अनुभव, जो हम कर चुके हैं, जो हम सीख चुके हैं, अपने आइडियाज़ कि हमें कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ आते होंगे ना, भी हमें ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए. और थॉट्स मीन्स विचार, हमारे क्या विचार हैं, ठीक है, ये सब हम आपस में शेयर कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज इट कीप्स अस कनेक्टेड. अब जब सब मिलकर बैठकर खाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, मिले होंगे, तो आपस में जुड़ेंगे ना, कनेक्टेड होंगे, है ना, प्यार बढ़ेगा उससे हमारा. थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स चिल्ड्रन फील लव्ड,
सेफ एंड सिक्योर। और बच्चे कैसा फील करते हैं जब परिवार पूरा एक साथ बैठकर खाता है, तो बच्चों को बहुत सेफ, बहुत प्यार, बहुत अच्छा अनुभव फील होता है, बहुत अच्छा फील करते हैं, सिक्योर्ड फील करते हैं कि हम इस फैमिली में बिल्कुल सिक्योर हैं, बहुत अच्छे से रहेंगे, सीखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर सेवादार्स, सेवादार कौन होते हैं? तो आंसर लिखिए, अ पर्सन हु परफॉर्म्स सेवा। सेवा क्या होती है? वर्क और सर्विस ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का काम, विदाउट लुकिंग फॉर एनी रिवार्ड और एनी पेमेंट ऑफ एनी काइंड इज कॉल्ड सेवादार। एक इंसान जो सेवा कर रहा है बिना ये देखते हुए, चाहते हुए कि उसे कोई उसका रिवार्ड मिलेगा या कोई उससे उसे पैसा मिलेगा, ये सब ना सोच कर कि किसी भी तरह से कुछ उसे मिलेगा, जो वो सेवा कर रहा है वो कहलाता है सेवादार। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव थ्री एडवांटेजेस ऑफ मिड डे मील स्कीम। ये जो मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है बेटे, इसकी थ्री एडवांटेजेस यानी तीन फायदे बताने आपने। सो आंसर इज, फर्स्ट है, इट सेटिस्फाइज द हंगर ऑफ मैनी चिल्ड्रन, यानी बहुत सारे बच्चों की भूख, हंगर क्या होता है? भूख, भूख को सेटिस्फाई करते हैं, यानी उन्हें खाना मिलता है तो भूखे नहीं रहते ना, तो उन्हें बहुत आराम फील होता है, अच्छा फील होता है। द चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस मीन्स पोषक, बिल्कुल उन्हें पोषक खाना मिलता है, हर न्यूट्रिशन उसमें होता है जिससे वो हेल्दी बेबी बने रहें। थर्ड, द चिल्ड्रन लर्न टू शेयर एंड ईट टुगेदर, मिड डे मील्स जो होती है ना, वो सब बच्चों को एक साथ बिठाकर एक टाइम पर खिलाया जाता है, तो उससे जब हम एक साथ बैठकर खाते हैं तो हम शेयरिंग भी सीखते हैं और केयरिंग भी सीखते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड सर्व्ड इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा गए हैं आप कभी? गए ना, तो गुरुद्वारे में खाना कैसे सर्व होता है? आंसर लिखो, द फ्री एंड वेजिटेरियन मील कॉल्ड लंगर इज सर्व्ड बाय द सेवादार्स टू द पीपल हु सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट टुगेदर। फ्री में और वेजिटेरियन मींस शाकाहारी, ठीक है, प्योर वेजिटेरियन खाना होता है, शाकाहारी खाना जिसको हम लंगर बोलते हैं, वो लंगर सर्व कौन करता है? सेवादार, जो बिल्कुल भी रिवार्ड की चिंता किए बिना सेल्फलेसली आपकी सेवा कर रहे हैं, वो लोग सर्व करते हैं। और सर्व किसको करते हैं? उन लोगों को जो एक साथ ज़मीन पर बैठकर मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है। गुरुद्वारास में ज़मीन पे ही मिलता है ना, दरी बिछी होती है, उस पर बैठे और अपना खाना खाया, फिर बर्तन रख दिए, यही होता है ना, तो बस ऐसे ही। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज अ बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल क्या होता है? इसका आंसर देखिए, अ बोर्डिंग स्कूल इज अ प्लेस वेयर ऑल द पीपल्स लिव एंड स्टडी टुगेदर ड्यूरिंग द स्कूल टर्म, यानी स्कूल की जितनी भी वो बड़ी टर्म है, अगर एक सेशन के लिए बच्चा वहाँ गया तो एक सेशन अप्रैल टू मार्च, दो सेशन, तीन सेशन, कुछ बच्चे होते हैं जो नर्सरी से लेकर ट्वेल्थ तक वहीं बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हैं, कुछ बीच में गए तो लास्ट तक रह रहे हैं, जो भी टर्म है, जितने भी टाइम के लिए आपने वहीं रहना है, आपने अपने घर पर सिर्फ छुट्टियों में आना है, ठीक है, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं पढ़ना, सब बच्चों के साथ मिलकर, तो वही जगह होती है बोर्डिंग स्कूल। प्यूपिल्स का मतलब होते हैं स्टूडेंट्स, आप प्यूपिल्स की जगह स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। ओके, प्यूपिल्स होते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो एक साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी मीन्स पढ़ना, और पूरी स्कूल टर्म में यानी स्कूल का जितना भी टर्म है उसमें। सो डियर चिल्ड्रन, कंप्लीट योर बुक वर्क एंड ये क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, नीटली लिखना, साफ साफ, बिल्कुल क्लियर राइटिंग में, ओके। और नेक्स्ट वीक हम लोग इसका टेस्ट प्लान करेंगे, तो लर्न करना शुरू कर दो आप। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।